एक बार फिर से आपका उत्तीर्ण अकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनोज शर्मा और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इन एक्सरसाइज 9.2 समाकलन। ठीक है, अब तक के जो पिछले के क्वेश्चन थे 9.1 के सर ने करवाए थे, अर्जुन सर ने। ठीक है, वो किसी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दो। ठीक है, पहले वाले का। ठीक है, समाकलन को आई से लिखते हैं तो ये हो जाएगा sec 4x tan x by dx। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, कैसे? sec स्क्वायर x और tan x को तो आप अलग कर दो, और ये जो sec स्क्वायर x है इसके दो दो कर दिए, चार थे उसके दो दो में कर दिए। ठीक है, अब इस sec स्क्वायर का मान रखो। sec स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, sec स्क्वायर का मान रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब tan x को ले लो, आप tan x को ले लो t के बराबर। माना tan x क्या है? t है। इसका क्या कर दो? अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो tan x का क्या होता है अवकलन? sec स्क्वायर x, पता है आप लोगों को, और dx, और इधर क्या आ जाएगा? dt। ठीक है, मीन sec स्क्वायर x dx का मान कितना आ गया? dt। तो इसका मान तो dt रख देंगे, और x का मान क्या रखे थे अपन? t, तो इसमें रख दो। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा अपना 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये टी है और घात में कितना है? अंडर रूट टी, मतलब टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं घात को, और वो तो हो गया डी टी। इस पूरे का मान क्या हो गया? देखो, डी टी हो गया। इसका मान डी टी रख दिया, इसका मान टी रख दिया। ठीक है, अब इसको इसके दोनों के नीचे भाग दे दो आप लोग। ठीक है, इसको इसके नीचे भाग देंगे तो 1/t की घात 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको उसके नीचे भाग दे दो, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब t की घात माइनस 1/2, और ये ऊपर घात जाएगी माइनस में हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, t की घात 2 और t की घात माइनस 1/2 dt। अब आधार सेम होते हैं तो क्या होती हैं? घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घातें जुड़ जाएगी। तो t की घात माइनस 1/2 ऐसे कैसे? यहाँ पर t की घात 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा? देखो, 2 माइनस 1/2 ये कितना हो जाएगा? 2 आधा एलसीएम ला, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। अब कर दो इसका समाकलन। ठीक है, t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? i बराबर t 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इसका कर दो t 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये उसका क्या हो गया? समाकलन हो गया। ठीक है, आप लोग इसको लिख लो, मैं ये जो पहली वाली स्टेप है ये दोनों क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ। ये आ गया अपने पास, तो i बराबर क्या आ गया? ये t की घात माइनस 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? t की घात 1/2, और नीचे भी क्या हो गया? 1/2 प्लस इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 t की घात 5/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 5/2 प्लस सी। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है? tan x, तो t का मान रखने पर tan x, और ये 1/2 है घात, मतलब अंडर रूट आएगा इसका, मतलब नीचे क्या है? 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा किससे? 2 से, 1/2। ये भी क्या आ जाएगा? 2/5 हो जाएगा, t का मान tan x है, और ये कितना आ जाएगा? tan x का घात 5/2 प्लस c। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक
ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक करो अभी के अभी, ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, मैं पूरा कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको पूरा सारा का सारा। अब आप लोग इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है आपका, ठीक है। अपन करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सी प्रश्न वाली है, देखो मज़ा आएगा पढ़ते हुए। ये देखो, अपने को समाकलन करना है इसका, ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो क्योंकि इसका तो कोई समाकलन होता नहीं। तो आई बराबर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेन को साइन थीटा कोस थीटा में बदल रहा हूँ, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, टेन थीटा यही होता है, फिर वन प्लस टेन थीटा क्या होता है, फिर से वही साइन थीटा बटा कोस थीटा में ले लिया। अब कोस थीटा मैं ऊपर और नीचे क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, लघुत्तम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर कोस थीटा मैंने लघुत्तम लिया, तो कोस थीटा उधर गुणा हो जाएगा, मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ी एक्स में है, मैंने थीटा थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्स ठीक है। और नीचे भी क्या जाएगा, कोस एक्स क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, कोस एक्स इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इस कोस एक्स से ये कोस एक्स कट जाएगा और आपने पास क्या आ जाएगा, आई बराबर, ठीक है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब इन दोनों में से किसी एक को टी मानना है, अगर इसको टी मानते हो आप, ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, तो उसका मान तो कुछ रख ही नहीं सकते अपन, फिर यहाँ रखना भी तो पड़ेगा। इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो ऊपर वाला है, मतलब इसको मानो आप, इस नीचे वाले को क्या मान लो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो, ठीक है। इसको टी मानेंगे, इसका अवकलन कर दो, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, ठीक है, तो कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स, ठीक है, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। देखो ये डी एक्स कैसे आता है, ये डी टी अपॉन डी एक्स करते हैं, फिर एक्स इधर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब इसको ऐसे लिख लो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो इसका मान क्या हो गया, देखो इस पूरे का मान कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का मान कितना हो गया, डी टी, और इसको क्या माना था, टी मान, तो इसको रख दो, वन अपॉन टी एक बटा टी, क्योंकि इस पूरे को टी माना था ना, और कोस एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, इसका मान हो गया डी टी, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, क्या होता है, लॉग एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी आई, ठीक है, समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी, और टी का मान रख दो, टी का मान क्या है अपने पास, टी का मान क्या लिया था, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, इसको नहीं किया है तो, और बच्चों के बताओ, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे, जितने भी लोग हैं राजस्थान बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के पास पहुँचना चाहिए। अब आप एक को शेयर करते हो तो दूसरा दूसरे को करेगा, तो ऐसे सबके पास पहुँच जाएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।